हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देने वाले हैं, क्योंकि कौन से फीचर किस मॉडल में मिलते हैं और सनरूफ कौन से मॉडल में मिलता है, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कलर, कंफर्ट, एक्सटीरियर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंटीरियर एंड सेफ्टी। पहले बता दूं आपको कि 1462 सीसी यानी कि 1.5 लीटर के 15 सी सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 136.8 Nm का टॉर्क 4400 आरपीएम पर हमें प्रोड्यूस करवा देता है और 20.1 kmpl का एवरेज दे देता है। हालांकि अब तक इसमें कोई भी सीएनजी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और यही एक वजह है जिसकी वजह से ये टॉप 10 जो हाई फ्यूल एफिशिएंस कार है उनमें इसका नाम नहीं। और वहीं इसके प्राइस की अगर बात करें तो 9 लाख से स्टार्ट होकर ये 16.29 लाख तक चली जाती है। और ये जो प्राइस आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये आपकी सिटी और स्टेट में डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए कंपैरिजन आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। सो हेडअप डिस्प्ले, 360 कैमरा, साइड कर्टन, शोल्डर हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट। अगर ये ऑप्शन आपको चाहिए तो आप ZXi प्लस वेरियंट आपको परचेज करना पड़ेगा। उसी के साथ अगर रियर व्यू कैमरा और रियर वाइपर एंड वॉशर आपको चाहिए तो ZXi ही आपको मिल जाएंगे एंड रियर डिफॉगर आपको BXi वेरियंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की, जहाँ पे अंदर बैठ के में बहुत ही फील गुड वाला फैक्टर फील होता है। अगर हम वेरिएंट वाइज देखें तो इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील अगर आपको चाहिए तो ZXi प्लस वेरिएंट आपको परचेज करना पड़ेगा। एंड वैनिटी मिरर अगर आपको दोनों ही साइड में चाहिए तो आपको ZXi और ZXi प्लस आप परचेज कर सकते हैं। क्रोम प्लेटेड इनसाइड डोर हैंडल जो है और दो आर्मरेस्ट पर जो फैब्रिक होता है वो BXi वेरिएंट से मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। लगेज लैंप जो है वो दोनों ही टॉप मॉडल में मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स के अंदर लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ZXi वेरिएंट में मिलती है। रियर पार्सल ट्रे भी आपको ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट में मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि BXi जो है वो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। इससे पहले कि हम इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ कि रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो तीनों ही मॉडल में मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल मोड जो है वो आपको BXi में नहीं मिलता, ZXi एंड ZXi प्लस में आपको मिल जाता है। कीलेस स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी आपको ZXi एंड ZXi प्लस में मिलेगा। उसके बाद स्टेयरिंग की जो एडजस्टमेंट है BXi में आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, जबकि ZXi और ZXi प्लस में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम में फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन जो है आपको BXi वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले पसंद है यानी कि 22.86 सेंटीमीटर का, उसके लिए आपको ZXi प्लस वेरिएंट चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा सिमिलर फीचर्स ही हैं, जस्ट एक ट्विटर को छोड़ के। अगर आपको दो ट्विटर एक्स्ट्रा चाहिए फोर स्पीकर्स के अलावा तो आपको ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट को चूज करना पड़ेगा। बाकी सारे फीचर्स जो हैं आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। सो सबसे पहले अलॉय व्हील आपको पेंटेड मिलेंगे, ZXi वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होते हैं। ZXi प्लस में आपको प्रिसीजन कट यानी कि ड्यूल टोन वाले अलॉय व्हील मिलते हैं, जो इसको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये टॉप मॉडल है। एलईडी DRLs, फॉग लैंप, रूफ रेल्स और ड्यूल टोन एक्सटीरियर जो है वो आपको ZXi और ZXi प्लस में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी एक स्ट्रेंज थिंग ये है कि आपको BXi मॉडल में भी फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, आपको एज एन एक्सेसरी वो इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कंफर्ट की। सो सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग आपको दोनों ही मॉडल यानी कि टॉप मॉडल ZXi और ZXi प्लस दोनों में मिल जाता है। उसके बाद जो क्रूज कंट्रोल ऑप्शन है वो आपको ZXi और ZXi दोनों ही वेरिएंट में मिलता है, VXi में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। कूल्ड ग्लव बॉक्स अगर आपको चाहिए तो आपको ZXi वेरिएंट परचेज करना पड़ेगा। 60-40 स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन आपको ZXi और ZXi प्लस दोनों में मिल जाता है, जो कि एक प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है। आपके बूट स्पेस को आप इंक्रीज कर सकते हो जब भी आपके पास ज्यादा सामान हो जाता है। तो कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो आपको इसमें तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपको ZXi और ZXi प्लस दोनों ही मॉडल्स में मिल जाते हैं। ब्रेजा ZXi प्लस ऑटोमेटिक अगर ड्यूल टोन में अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 16.29 लाख आपको पे करना पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी गाड़ियाँ जैसे कि क्रेटा, सेल्टॉस और दूसरी SUVs महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भी आप प्लान कर सकते हैं। ये सब गाड़ियाँ भी आप इस प्राइस के हिसाब से इस प्राइस रेंज में खरीद सकते हो। मगर आपको अगर ब्रेजा ही परचेज करनी है और सारे फीचर्स भी चाहिए देन यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफ ZXi प्लस। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, आप उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर अब तक यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो इसका मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका
आपका बन चुका है। वीडियो को थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ZXI वेरिएंट या BXI वेरिएंट में क्या चीजें हैं जो हमें मिल जाती है। वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जो ग्रीन के साथ हाईलाइटेड है यानी कि वो आपको मिल रहे हैं, रेड वाले आपको नहीं मिल रहे हैं। सो इनकेस अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक एक चीज को रेफर करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सेम लाइक जो पिछली स्क्रीन में आपने देखा VXI के लिए, यहाँ पर मैं ZXI के लिए एक कंपेरिजन शीट बनाई हुई है जिसमें आपको ये चीजें जो ZXI में आपको सिर्फ मिलती हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, और सेम यहाँ से ये चीज भी आप वाइस वर्सा चेक कर सकते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको BXI में नहीं मिलते। चलिए आगे बात कर लेते हैं यानी कि प्राइस कंपेरिजन। बात करें ऑन रोड प्राइस की, LXI 9 लैक्स, VXI 10.6 लैक्स एंड ZXI 12.74 लैक्स, ZXI प्लस 12.85 लैक्स। तो जो डिफरेंस है LXI और BXI के बिटवीन, दैट इज अराउंड 1.65 लैक्स, जो कि शायद मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि उतने सारे फीचर्स उसमें एड ऑन नहीं होते हैं। कम से कम आपको ZXI वेरिएंट आज के हिसाब से परचेज करना पड़ेगा। वहीं आगे अगर देखें BXI और ZXI बीच के डिफरेंस का, तो वो 2 लाख का डिफरेंस है, बट उसमें फिर सनरूफ भी आपको एड ऑन हो जाता है, अलॉय व्हील एड हो जाते हैं। और अगर जस्ट हम ये चेक करें कि LXI मैनुअल ट्रांसमिशन से लेके ऑटोमेटिक जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कमिंग अराउंड 3.84 लैक्स, इतना सारा गैप आ जाता है। इसके अलावा अगर आप ZXI प्लस टॉप वेरिएंट अगर ड्यूल टोन में परचेज करना चाह रहे हो तो लगभग 16 लाख के आसपास आपको ऑन रोड वो पड़ जाएगी, और मतलब कहने को तो ब्रेजा 7.99 लैक्स से स्टार्ट हो जाती है, बट जो बेस से लेकर टॉप एंड के बीच का जो प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज अराउंड 6 लैक्स आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, तब आप ब्रेजा के नए फीचर्स और माइलेज का मजा ले पाओगे। ये कंपैरिजन को थोड़ा और इजी बना देते हैं। आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आप BXI वेरिएंट परचेज करते हैं, जिसके लिए आपको LXI के कंपैरिजन में 1.65 लाख ज्यादा देने पड़ेंगे, और ये सारे फीचर्स जो नीचे दिए गए हैं वो सारे एड ऑन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ZXI वेरिएंट के लिए जाते हो तो लगभग 2 लाख रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे और ये सारे फीचर्स भी एड ऑन हो जाएंगे। इस सारे कंपैरिजन से यही पता चलता है कि इस बार VXI वेरिएंट जो है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है। प्राइस वेरिएंट की अगर बात करें तो LXI वेरिएंट अगर आप तभी कंसीडर कर सकते हैं जब आपका बजट बहुत कम है और नाम के लिए एक आप ब्रेजा लेना चाहते हैं, फीचर से आपको कोई लेना देना नहीं है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर आपके पास सिर्फ उतना ही बजट हो पा रहा है कि आप LXI वेरिएंट परचेज कर सकते हो तो आपको BXI खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि VXI में वो सारे फीचर्स नहीं है जितना उसमें प्राइस को हाइक मिलता है। उससे बेटर है आप थोड़ा सा पैसा और डाल के ZXI वेरिएंट के लिए जाएं, और अगर आपके पास पैसे की बजट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप फीचर्स के साथ ब्रेजा की अच्छी माइलेज का मजा लेना चाहते हैं, तो ZXI प्लस में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ZXI फुली लोडेड आपके लिए रेडीली अवेलेबल है। एंड यहाँ पे एक और कन्फ्यूजिंग थिंग है कि BXI और ZXI के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है, उस प्राइस डिफरेंस के या उस प्राइस रेंज में आपको मार्केट में और भी राइवल्स में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपको काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं, बट आपको अगर सिर्फ ब्रेजा ही लेनी है सो या LXI या फिर ZXI आप प्लान कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सो यही था इनके बीच का कंपैरिजन, और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ब्रेजा के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दैट इज नंबर 1 सिंगल इंजन ऑप्शन और इसके ड्राई मोड। इसमें आपको कोई भी ड्राई मोड देखने को नहीं मिलता, जो कि सेगमेंट में या राइवल्स में आप देखोगे तो काफ़ी सारे फीचर्स ड्राई मोड में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं इस प्राइस रेंज में। और दूसरा है टॉप एंड वेरिएंट का जो कॉस्ट है, दैट इज़ वेरी हाई, उस प्राइस रेंज में आप क्रेटा सेल्टॉस और दूसरी SUV भी परचेज कर सकते हैं। अगर ये कॉस्ट जो टॉप एंड वेरिएंट की थोड़ी कम होती तो बहुत अच्छा हो सकता था। इसी के साथ आई थिंक मैंने सब चीज़ें वो जो है इस वीडियो में कवर कर दी हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।